हाय हाय एक्सेलसियर न्यूज में आज सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता दर्शकों इस वक्त में खड़ा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में, जहाँ पर जो है बच्चों को म्यूजिक और फाइन एंड आर्ट्स की शिक्षा दी जाती है, ग्रेजुएशन की डिग्री करवाई जाती है और यहाँ पर 200 के करीब जो है विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, फाइन एंड आर्ट में जो है शिक्षा हासिल कर रहे हैं, म्यूजिक की विभिन्न क्लासेस की शिक्षा जो है वो ग्रहण यहाँ पर कर रहे हैं। और फैकल्टी मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 50 के करीब जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो नज़र आएगा। दर्शकों जिस तरह से म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की बात करें तो ये बिल्डिंग जो है ये कहीं ना कहीं जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंडर आती है और इस ज़मीन की बात करें, इस ग्राउंड की बात करें तो ये ग्राउंड जो है सरकार के हवाले है। दर्शकों आपको ये भी बता दें कि आज यहाँ के विद्यार्थी वर्ग जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे थे। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी भी तरह का जो पावर स्टेशन है या फिर पावर रिसीविंग स्टेशन है उसका निर्माण यहाँ पर नहीं किया जाए। आए जाने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये स्टूडेंट्स। सर ऑब्जेक्शन सबसे बड़े है कि जान का खतरा है, सबसे पहले तो हाई वोल्टेज होती है यहाँ पे, गर्मी से वैसे ही फॉल्ट होते रहते हैं ट्रांसफार्मर्स में। अभी पिछले साल 2 ट्रांसफार्मर थे यहीं पे, दोनों जल गए तो वो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। अब PTT डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ लेबर आई है, क्रेन्स वगैरह लेके आए हैं, डिगिंग कर रहे हैं यहाँ पे, वो काफ़ी मतलब डीप हैं और मिट्टी इतनी निकाली और वहीं वैसे ही छोड़ के वो जा चुके हैं लेबर जो थी, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो है कॉलेज का उन्होंने मना किया था, स्टे लगाया था। देन उसके बाद वो फिर से आए, हर हफ्ते 2 बार आते हैं और आज फिर से आए, 1 मंथ होने वाला ऐसा ही चल रहा है, हर 3 दिन के बाद आते हैं, हम मना करते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, बट ऑर्डर किसका ये चीज़ वो बताते ही नहीं है, ना हमें नोटिस दिखा रहे हैं वो कि किसका ऑर्डर है क्या है, बस आते हैं ऊपर से ऑर्डर है, हमारे जो मालिक हैं उनसे बात की जाए, क्योंकि लेबर को तो वैसे भी हम कुछ कह नहीं सकते, तो जो मालिक है वो खुद आ नहीं रहा यहाँ पे, ना उनसे कोई बात हो पा रही है। अब पिटीशन हमने की है सारे बच्चों ने और करके, तो अब स्टे लगना चाहिए इस चीज़ पे, और अगर आप बनाना चाहते हो ज़मीन जिसकी भी है गवर्नमेंट के अंडर है तो गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई किसी की प्राइवेट अथॉरिटी तो है नहीं है, बिल्डिंग्स बननी चाहिए ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा भी हो। और जो रिसीविंग स्टेशन बना रहे हैं पावर का, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है सबके लिए। जैसे कि आपने भी इशारा किया जो ये कॉम्प्लेक्स है ये गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो जो बिजली विभाग है वो भी फिलहाल गवर्नमेंट के ये अंडर है, तो अगर गवर्नमेंट कुछ फेर बदल करती है तो इसमें फिर ऑब्जेक्शन कैसा? सर अब पता है सबको कि हायर अथॉरिटीज़ जो होती हैं अंदर से कैसी उनकी क्या बातें चलती हैं, बाकी स्टडी के लिए तो सब बोलते हैं, बट स्टडी सही मायने में देखी जाए तो कोई इतना बढ़ावा देता नहीं है कि जैसी जम्मू की कही जाती है, बेकार तो नहीं बोलना चाहिए, अच्छी भी है बट इतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम देखा जाए ना 100 में से 80 बच्चा जो है बाहर जाता है पढ़ने, क्यों? क्योंकि जम्मू में स्टडीज़ ही अच्छी नहीं है, तो जो हैं वो भी डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे क्या ही बच्चा यहाँ पे पढ़े, जो हमारे लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शॉक लग सकता है, बच्चों को जान के खतरा भी हो सकता है। एक सर ये प्रॉब्लम है, एक है कि इन्होंने पिछले महीने यहाँ पर इस जगह पर कर दिया था, मतलब खड्डे खोद दिए थे, तो जब इनको यहाँ पे स्टे लगा तो अब इन्होंने ये वाली जगह कर दी, तो हम सुबह से ये इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये काम बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है ये कदम उठा रही है, गवर्नमेंट जो है इसको शिफ्ट कर रही है, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट के काम में हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? सर हस्तक्षेप की बात नहीं है, हमारे लिए अभी गवर्नमेंट को अगर करना है तो हमारे लिए हो सकता है यहाँ पर एक बिल्डिंग बनानी चाहिए, क्योंकि ये आगे ही जगह कंजेस्टेड है, यहाँ पे बच्चों को ठीक से बैठ भी नहीं सकते, आप ऊपर जाके देखोगे तो जो रूम है वो भी कंजेस्टेड है। जैसे कि ये पावर हाउस बनाने जा रहे हैं या रिसीविंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं, क्या लगता है कि आपको आपके कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा बाउंड्री वॉल जो है वो दे दी जाए? सर फिलहाल तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो पावर हाउस का काम फिलहाल, क्योंकि ये आगे एक छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ पर ना बैठने की जगह है, आप देख सकते हो कितनी गंदगी है, पहले तो इसे साफ़ कराना चाहिए, मगर यहाँ पर आप पीछे जाके देखोगे ना पार्किंग की जगह है ना बच्चों की बैठने की जगह है, तो फिलहाल तो यही साफ़ कराना चाहिए, बच्चों के लिए जो है बैठने की जगह जो वो बनानी चाहिए। तो आपके छात्र जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो PTT डिपार्टमेंट द्वारा रिसीविंग स्टेशन पावर हाउस बनाया जा रहा है वो यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और आप ये भी देखिए कि ये कितनी बड़ी विडम्बना है कि जिन छात्रों को अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए उन्हें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और इसमें भी ख़ास बात यह है कि ये छात्र बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के हैं, यानी जम्मू संभाग का
इकलौता एक कला का ऐसा मंदिर है जहाँ एक ही छत के नीचे आपको संगीत, फाइन आर्ट्स, नृत्य इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। और हमारी एज ए टीचर भी और हमारे स्टूडेंट्स की जो नेचर है वो वैसे भी नारेबाजी की नहीं है, तो अगर इनको नारे लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि समस्या कैसी होगी। जैसे कि गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, वो कहीं पर भी जो है शिफ्ट कर सकती है, डेवलपमेंट कर सकती है, तो आपको नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट यहाँ पर करने जा रही है उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और गवर्नमेंट के काम में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और जहाँ तक इस विकास की बात हो, बिजली की बात हो, उसमें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम एक एम्प्लॉय के नाते भी इसके अगेंस्ट नहीं है और एक जिम्मेदार शहरी के नाते भी नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है सर कि बिजली का ये रिसीविंग स्टेशन बने, बिल्कुल बने, देश की प्रगति इसी में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और ऊपर से जो बिल्डिंग है ये हेरिटेज नोयत की है, इसके 100-200 मीटर के दायरे में तो वैसे भी कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, और जब ये 100 मीटर ये क्या ये तो लगभग 50 फुट के अंदर बन रहा है, तो जब ये हाई पावर ट्रांसमिशन बनेगा तो हमारे बच्चे यहाँ शिक्षा लेते हैं उनकी जान को कितना खतरा होगा जब इतनी उनकी नज़दीक पे ऐसा होगा। और ये इकलौती ग्राउंड इस एरिया की जहाँ शाम को बच्चे खेलने आते हैं, बुज़ुर्ग लोग सैर करने आते हैं, उनकी जान को कितना खतरा होगा। और इसलिए हम इसके अगेंस्ट नहीं है, हम कहते हैं आप ज़रूर बनाइए, पर यहीं से 2-3 किलोमीटर आगे उदय वाला है आपका, इधर आनंद नगर है, यहाँ कितनी सारी ज़मीन है, JD की होगी, आप वहाँ बनाइए, देश की प्रगति में बिल्कुल साथ साथ है। अपील क्या करना चाहते हैं आप LG साहब से? हमारी सर यही अपील है कि 2011 से ये इंस्टीट्यूट जो है वो J&K कल्चरल अकेडमी से निकल कर जम्मू यूनिवर्सिटी के जेर नज़र है, और अनफॉर्चुनेटली ये बिल्डिंग जो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है शहर की, ये तो हमारे पास है, लेकिन ये जो बाहर की ज़मीन है ये स्टेट डिपार्टमेंट के पास है, और हमारा इंस्टीट्यूट दिन ब दिन प्रगति कर रहा है, ये फैल रहा है, इसके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गिनती दिन ब दिन बढ़ रही है, और जैसे मैंने पहले बताया ये इकलौता ऐसा पूरे जम्मू संभाग का इंस्टीट्यूट है जहाँ ये हम स्नातक की डिग्री करवाते हैं, ग्रेजुएशन करवाते हैं। सरकार को ज़रूर मंथन करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये सही जगह है बिजली डिपार्टमेंट के रिसीविंग स्टेशन को यहाँ पर बनाने के लिए, क्या स्टूडेंट्स के बीचों बीच यहाँ पर जो पावर के रिसीविंग स्टेशन का निर्माण करने का सरकार का फैसला है वो सही है, क्या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को जो फाइन एंड आर्ट्स म्यूज़िक का डिपार्टमेंट है क्या उनके फैकल्टी मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेना इनका फ़र्ज नहीं बनता था? सरकार को जो है इन तमाम पहलुओं पर जो है गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन है अगर वो जेन्युइन है तो यहाँ पर किसी भी तरह के रिसीविंग स्टेशन को नहीं बनने देना चाहिए। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।